सो आप लोगों ने आज मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा एंड आज मेरा कोई व्लॉग नहीं है जी, मेरा टिप है बिना हीटिंग के अपने हेयर्स को कैसे कर्ल किया जाए। तो मेरा टिप जो है वो इस तरह के हेयर्स के ऊपर है, और आप चाहें तो मैंने पूरा वीडियो में बताया है कि कैसे कर्ल कर सकते हैं अपना हेयर और अलग अलग तरीक़ों से भी, ठीक है। तो अगर आपको ये लुक क्रिएट करना है और मतलब ऐसा हेयर करना है और बिना हीटिंग के करना है तो मेरा पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, आपको फुल समझ आ जाएगा प्रोसीजर। नो हीटिंग, नो बाल को मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब रफ बाल, नो जले हुए बाल, नथिंग। तो ये वीडियो मैं खास करके आप मेरे सब्सक्राइबरों के लिए लेके आई हूँ, सो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, मत भूलिएगा। सो बाय। इंडियन मॉम एंड बेबी टू वी की सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करें। तो हमें सबसे पहले अपने हेयर कर्ल करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है सबसे पहले ये रबर बैंड, ठीक है। आप कोई सी भी रबर यूज़ कर सकते हैं, बट ये रबर ज़्यादा स्ट्रेचेबल और मजबूत होती है, तो ये यूज़ कीजिए। सेकंड कॉम, थर्ड ऑयल, ये ऑप्शनल है सिर्फ स्ट्रेट हेयर वालों के लिए, जैसे मेरे जो हेयर है उनके लिए ऑप्शनल है। अदरवाइज आपके नॉर्मल हेयर हैं अगर, तो आप ये ऑयल यूज़ ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है हेयर वॉश करने के बाद। तो मेरे बाल भी अभी गीले हैं, ये देखिए। तो हेयर वॉश करने के बाद आपको गीले कर लेने हैं अपने बाल। अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं तो ऑयल जैसे मैंने बताया ऑप्शनल है, और अगर आप चाहो तो लगा दो। आप कोई भी कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करें वो बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ फेगा है तो जस्ट बता रही हूँ कि आपने हल्का सा ऑयल लेना है, बिल्कुल हल्का सा, और इनमें ऐसे इस तरीके से लगा लेना है। स्कैल्प मतलब अपने सर पे नहीं लगाना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो अपने सर पे नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इस जगह पे लगाना है ऑयल और हल्का सा। तो कोकोनट ऑयल लगाए या कोई भी लगाए अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं तो। अगर आपके स्ट्रेट हेयर हैं तो मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट हेयर में जो हम मतलब हमारे सर में पानी लगना ऑयल लगने से, और हम बस एक कॉम करेंगे बाल स्ट्रेट हो जाता है, सो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कर्ल करने के लिए अगर मुझे करना है तो मैं ऑयल को इग्नोर करना होगा। तो अब मुझे क्या करना है कि अपने बालों को एक साइड दो साइड से अच्छे से पीछे से भी लेना है, और ये टू साइड से मैंने अपने टू पार्टीशन में कर लिया। अब मुझे ये इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट लेना है और इसको इसका चोटी बनानी है, ठीक है। और अगर आप ऐसे करके बने, अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं तो जैसे मैंने बताया ऑयल करके हल्का सा, और आप जो मैंने बोला है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं भी भूल गई। और आपको बहुत ही ज्यादा टाइट चोटी करनी है तभी आपका हेयर कर्ल हो पाएगा, वरना नहीं होगा। और इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा टाइट चोटी करनी है, तो
इस तरीके से मैंने ये अपने छोटी कर ली है और इतना मैंने ये नीचे छोड़ दिया है क्योंकि इतना मुझे अच्छा लगता है छोड़ना, ज़्यादा नहीं। और मैंने ये ऑयल करके भी मैंने ट्राई कर लिए हैं अपने हेयर, बट मेरे नहीं हुए थे। तो इसी तरीके से मैं इधर की सारी चोटियाँ गो लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे एक साइड की चोटियाँ तैयार हो चुकी है, ये देखिए चोटियाँ। और ये डिज़ाइन से आई है ना, क्योंकि मेरी कटिंग भी ऐसी है, उसी टाइप से चोटियाँ आई हैं। ये देखिए छोटी, बड़ी, फिर बड़ी और फिर और बड़ी। तो मैं इसी तरीके से इधर की भी कर लूँगी। और आप एक काम, मतलब इतना कीजिए कि चार चोटियाँ बन सके एक साइड में, और बहुत कस के इनको बांधें, ठीक है। अब मैं इधर की कर लेती हूँ। तो फाइनली मेरी सारी चोटियाँ बन चुकी हैं, इधर भी फोर हैं, 1 2 3 4, एंड इधर भी 1 2 3 4, और मेरी चारों चोटियाँ, आठों चोटियाँ हो चुकी हैं। और आप लोग सोचोगे कि इसमें बहुत टाइम लगेगा और कैसे हम लोग कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो फर्स्ट चीज़ कि हाँ, इसमें टाइम तो लगेगा, बट आप इससे अपने बालों को जलने से बचा सकते हैं। अगर आपको कर्ल करना है, स्ट्रेट करना है, तो बहुत ज़्यादा बाल जलते हैं, तो इससे अगर कर्ल करेंगे तो आपके बाल जलने से बचेंगे। सेकंड, अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है, आपको कल कहीं जाना है, तो इजी तरीका, रात में जब आप फ्री हो जाओ सब कामों से, बच्चे को, अब सोचोगे छोटे बच्चे, सुला के, नहला के, धुला के, जो भी, मतलब अपना सब फ्री हो जाओ, और रात को 15 मिनट में ये चोटियाँ आपकी रेडी हो जाएंगी, और इनको करके आप सो जाओ और सुबह कर लो। आप सोचोगे कि आपने बताया कि गीले हेयर वॉश में, तो कंघी से बालों को गीला कर लो, और ऑयल, अगर आपके स्ट्रेट नहीं है तो ऑयल का सा ऑयल ऐसे करके लगा के चुटियाँ गोलो, सुबह अपना खोल के देखो। और मैंने इसमें ऑयल का भी करके देख लिया, मतलब फुल ऑयल डाल के किया, तो मेरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कंघा करने से स्ट्रेट हो गया। और नॉर्मल हेयर में भी करके देख लिया, बट आज मैंने वॉश करके देखा है, तो देखती हूँ ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। और अगर हुआ तो आप लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर आ जाएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको कल मॉर्निंग में, सो तब तक के लिए फाइनली गाइज, लास्ट मोमेंट एंड लास्ट जो स्टेप है वो आ गया है कि कल कैसे होने हैं, ठीक है। आज है सेकेंड डे, मैंने पूरा वन नाइट इसको छोड़ दिया था, ठीक है। आज मैं करूँगी, हो सकता है मेरे ना हुए हों ज़्यादा, तो आप मेरे पे मत जाइएगा, बिकॉज मेरे स्ट्रेट हेयर हैं, तो मेरे में पॉसिबल नहीं है, और मेरे स्ट्रेट में कम कॉम करने से भी निकल जाता है, कर्ल वगैरह कुछ भी हो स्ट्रेट हो जाता है। तो आप ना जो मैंने प्रोसीजर बताया आप उसको फॉलो करते, अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं करेंगे, तो डैम श्योर एंड डेफिनेटली आपका हो जाएगा पक्का। सो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी ये जो रबड़ बैंड है उसको ऐसे निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये ऐसे नहीं है झटपट झटपट नहीं खोलना है, एक एक करके अलग करना है, एक एक इस तरीके से। मेक श्योर मेरा भी हो गया हो, नहीं पक्का हो गया, बट उतना नहीं हुआ होगा जो नॉर्मल हेयर्स में होता है, क्योंकि मेरा हेयर्स एक अलग हेयर है। अमेजिंग, व्हाट अ शाइनिंग। आपको एक ही कलर करना है, वाव, ये देखिए नेचुरल कर्ल्स माय हेयर, अमेजिंग। आई डोंट बिलीव कि मेरे भी हेयर्स ऐसे हो सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से ऊपर ओपन कर लेती हूँ, फिर आपको इसका आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। वाओ, अमेजिंग ना, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे हेयर्स भी ऐसे हो सकते हैं, आई डोंट बिलीव। अब आप सोचोगे कि ये जो बाल नहीं हुए हैं तो हम ये कैसे लगेगा, कोई नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। Nah.
इस तरीके से कीजिए। एंड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको 3 to 4 days तक अगर इसको रखना है तो अगर आपको 3 to 4 days तक रखना है तो आप बिल्कुल बिना कॉम करे रहें। और आप सोचोगे बिना कॉम करे बाल उलझ जाएंगे, तो जैसे मैंने बताया कि आपको जब चोटी ओपन करें तो एक 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 नीचे से करें, ये नहीं फटाफट ऊपर से गोला या ऐसे ऐसे जल्दी ना करें, वो नीचे से आराम से उसको एक एक ओपन करेंगे ना तो मेरी तरह आपका एक एक बाल अलग हो जाएगा। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मेरा हेयर में जैसे मैंने किया 4-4 बनाया, आप इसका ज़्यादा भी बना सकते हो, मतलब 5 बना सकते हो, पतला पतला भी बना सकते हो, इससे भी ज़्यादा पतला चोटी बनाएंगे तो आपका छोटू छोटू वाला कर्ल भी हो सकता है बिना हीटिंग के, नो बाउंड, मतलब आपका कोई भी बाल नहीं जलेगा, रफ नहीं होगा, एकदम सिल्की एंड शाइनी हेयर रहेगा बिल्कुल मेरी तरह और बिना कोम करें। ये देखिए अमेजिंग राइट। और मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा खुशी और अच्छा लग रहा है। सो मेरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और मेरी तरह आप अपने बिना हीटिंग के बाल कर कीजिए। आपको अगर शादी में जाना है, न्यू लुक देना है, तो ये न्यू लुक के लिए, अगर आपका स्ट्रेट हेयर है या नॉर्मल हेयर है तो ये लुक आपके लिए न्यू लुक डैम श्योर होने वाला है। सो एक रात पहले बस चोटी बनाइए और सुबह कर्ल कर लीजिए। सो बाय बाय। अगर मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट माई इनबॉक्स एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।